हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी आप देख रहे हैं, यहां पर हमने अम्ल क्षार एवं लवण हेडिंग लगा रखी है। तो मतलब कहने का, आज हम अध्ययन करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो जैसा कि हम सभी देखते हैं, अम्ल तो अक्सर दिन हमारे खा रहे हैं, क्षार का इस्तेमाल भी बच्चों हम कर रहे हैं, लवण भी अक्सर दिन आए हम खा रहे हैं, रोज लवण खाते हैं, साल्ट रोज हम खाते हैं, नमक हम रोज खाते हैं बच्चों। तो इसी के विषय में हमको अध्ययन यहाँ पे करे के बा। तो यहाँ पे देखिए, हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल की यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो सबसे पहले अम्ल क्या है। तो सबसे पहले आप आर्हेनियस को याद करिए। आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि जो जली विलयन में बच्चों क्या दे दे, आपका हाइड्रोजन आयन दे दे, बच्चों क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन दे दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो तीन बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं यहाँ पर बच्चों, जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अम्ल कहते हैं। और यदि हम बात करें दूसरा, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। जो आपके अम्ल होते हैं, उन्हें आप टेस्ट करेंगे तो आपको खट्टे लगेंगे। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट लगाइए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लेकिन लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं कर पाते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप अम्ल के विषय में जानते रहिए। अब आप बात करेंगे प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, और अम्ल के कुछ एग्जाम्पल के। तो एग्जाम्पल जैसे HCl H2SO4, इसको हम कहते हैं अम्लों का राजा, इसको हम क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। जैसे बच्चों आपका रहा CH3COOH etc, तो ये क्या है आपके, अम्ल है। तो अम्ल बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रबल अम्ल, एक क्या होता है आपका प्रबल अम्ल, और एक होता है बच्चों आपका दुर्बल अम्ल। एक क्या था प्रबल अम्ल और एक क्या होता है आपका दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है, तो ऐसे अम्ल जो जल में 100% H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो जल में 100% आयन नहीं देते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या है, जो 100% क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन्हें क्या कहें, प्रबल कहेंगे। और जो 100%
और जो 100% वियोजित नहीं होते हैं, जो 100% वियोजित, या आप लिखिएगा टूटना, 100% वियोजित या टूटना उनका नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। यदि यहाँ पर बात करें हम एग्जांपल की, जैसे आपका HCl, जैसे आपका H2SO4 ATC, और इसमें आप बात करें तो जैसे आपका क्या रहा CH3COOH, ये क्या आपका दुर्बल अम्ल है। तो बच्चों ये रही आपकी अम्ल की कहानी। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यहाँ से आपका एक नंबर ये बोर्ड में आएगा। तो यही आप पढ़ के जाइए और कुछ नहीं आने वाला। और पूरा का पूरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अम्ल के नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आपका कि क्षार क्या होते हैं। तो क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। सब अपोजिट है बच्चों। तो ऐसे पदार्थ जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, जो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बच्चों, नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका क्षार कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप इसे शेयर कीजिएगा। और जहाँ पर आपको अम्ल के बारे में नहीं समझ में आया हो और उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।